प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेना की वर्दी पहनने को लेकर जिला कोर्ट ने प्रधानमंत्री कार्यालय को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस जिला अदालत की ओर से पीएमओ को भेज दी गई है। पीएम मोदी के खिलाफ निगरानी याचिका दायर की गई थी। इस मामले में सुनवाई 2 मार्च को होगी। जिला जज ने नलिन कुमार श्रीवास्तव ने एडवोकेट राकेश नाथ पांडे की ओर से जारी याचिका पर सुनवाई के बाद पीएमओ को नोटिस जारी किया है। राकेश नाथ पांडे ने कोर्ट से अपील की है कि पीएम के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। कोर्ट में दायर याचिका में राकेश नाथ ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना की वर्दी पहनी थी। अर्जी में कहा गया है कि 4 दिसंबर 2021 को जम्मू कश्मीर के नौशेरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना की वर्दी पहनी थी। भारतीय दंड संहिता की धारा 140 के तहत सेना की वर्दी को पहनना दंडनीय अपराध है, लिहाजा उनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए और कार्रवाई की जानी चाहिए। इस मामले में सुनवाई 21 दिसंबर 2021 को भी हुई थी। उस वक्त जस्टिस हरेंद्र नाथ ने उसकी सुनवाई की थी। सीजीएम ने कहा था कि यह घटना उनके न्यायालय क्षेत्र में नहीं हुई है, लिहाजा इस मामले पर सुनवाई का अधिकार क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट के पास है, जिसके बाद सीजीएम ने इस याचिका को निरस्त कर दिया था, जिसके बाद इस आदेश को जिला जज के सामने चुनौती दी गई थी और सीजीएम के फैसले को रद्द करने की मांग की गई थी। निगरानी याचिका की सूचना के बाद जिला जज ने पीएमओ को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।